झाबुआ जिले की थानला विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है। भले ही संगठन ये दावा करे कि वो काफी मजबूत संगठन के साथ चुनाव में जा रहा है, लेकिन हालात काफी बदतर है। बीते एक सप्ताह के दो घटनाक्रमों के जरिए हम इसकी समीक्षा करेंगे। आपको याद होगा राकेश सिंह जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, जब झाबुआ आए थे तब केशव इंटरनेशनल स्कूल पर दिलीप कटारा ने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया था। राकेश सिंह को रोक के ये मांग की गई थी कि किसी भी हालत में कलसिंह भाबर को टिकट न दिया जाए और अगर ऐसा होगा तो उनके कार्यकर्ता घर बैठ जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, जिससे पार्टी को नुकसान होगा। राकेश सिंह ने भारत माता की जय का नारा लगवा दिया और सभी को घर भेज दिया, मंत्र दिया कि अब की बार 200 पार। लेकिन हकीकत में उनका यह नारा मुश्किल में दिखाई देता है। बीते एक सप्ताह के घटनाक्रमों की हम बात करें तो कुछ खबरें छन कर आ रही हैं। एक, दिलीप कटारा जी ने ये दावा किया है, मीडिया को दिए वीडियो स्टेटमेंट में दावा किया है कि कलसिंह भाबर ने उनके समर्थकों के साथ उनसे गुप्त बैठक की है, जिसमें यह प्रस्ताव रखा है कि वे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर दिलीप कटारा चुनाव लड़ते हैं, वो दिलीप कटारा के समर्थन में बैठने को तैयार हैं। दिलीप कटारा का ये भी दावा है कि ये तक उनसे कलसिंह भाबर ने कहा है कि वे अगर चाहें तो पार्टी के आला नेताओं को भी ये जाकर बात बोलने को कलसिंह तैयार हैं कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजनीति की जानकार ये मानते हैं कि ये कलसिंह भाबर का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि कलसिंह भाबर ये जानते हैं बीजेपी के भीतर जो तमाम प्रमुख नेता हैं, चाहे वो मेघनगर क्षेत्र के राजू डामोर हों, रमसू पारगी हों, या दिलीप कटारा हो, या कवासा के मंडल अध्यक्ष रमेश बारिया हों, अगर ये गठबंधन बना रहा तो उन्हें मुश्किल होगी। और इस गठबंधन में फूट डालने के लिए जरूरी था, क्योंकि गठबंधन के तमाम नेता ये चाहते हैं कि उन्हें भी टिकट मिले, और ये फूट अगर होगी तो निश्चित रूप से कलसिंह को फायदा होगा। जानकारी ये मानते हैं कि अगर, जिसकी झाबुआ लाइव पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर वाकई में कलसिंह भाबर ने ये प्रस्ताव दिया है जैसा कि दिलीप कटारा कह रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से आप मानिए कि इस गठबंधन में बिखराव पैदा करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। ये गठबंधन कितना आगे चलता है, कितना बिखर जाता है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा, देखने वाली बात होगी। दिलीप कटारा के इस दावे पर कलसिंह क्या सोचते हैं, उनका क्या कहना है, जानने के लिए हमारे थानला के रिपोर्टर रितेश गुप्ता ने कलसिंह से संपर्क किया, लेकिन कलसिंह भाबर ने किसी भी तरीके का वीडियो स्टेटमेंट देने से मना कर दिया। सवाल ये है कि अगर ये सार्वजनिक इच्छा है, ये इच्छा कलसिंह भाबर की है कि वे दिलीप कटारा के समर्थन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो प्रस्ताव बंद कमरे में क्यों दिया गया? फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर या खुलेआम ये प्रस्ताव क्यों नहीं? जाहिर सी बात है कि ये गेम प्लान है, जैसा कि राजनीतिक जानकार कह रहे हैं। बीजेपी की दूसरी बड़ी जो विवाद है या आपस में गुटबाजी है, वो खवासा में कल देखने को मिली, जब खवासा के मंडल अध्यक्ष और सरपंच रमेश बारिया और विधायक प्रतिनिधि तोल सिंह गणावा के बीच विवाद हो गया। विवाद इस बात को लेकर था क्योंकि रमेश बारिया पर तोल सिंह ने ये आरोप लगा दिया कि बगैर विधायक के संज्ञान में लाए उन्होंने एक 5 हॉर्स पावर की, माफ कीजिएगा, एक बड़ी ट्रांसफार्मर की का भूमि पूजन लोकार्पण कैसे कर दिया। इस मुद्दे को लेकर विधायक प्रतिनिधि और रमेश बारी आमने सामने आ गए, जमकर दोनों में तूतूमेमे हुई, एक दूसरे को निपटाने की धमकी दी गई। आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि रमेश बारिया भी खुद को दावेदार मान रहे हैं थानला विधानसभा क्षेत्र में, टिकट की भी मांग कर रहे हैं, खुद को हर तरीके से सक्षम बता रहे हैं। इसके बाद रमेश बारिया ने भी थानला पहुंचकर मीडिया को बयान दिया है, जिसमें कलसिंह भाबर के खिलाफ उन्होंने बातें कही हैं। एक वक्त था जब पिछले विधानसभा चुनाव में रमेश बारिया हो, चाहे दिलीप कटारा हो, चाहे राजू डामोर हो, ये तमाम नेता जो आज कलसिंह के खिलाफ खड़े हैं, यही बीजेपी के खिलाफ जाकर बीजेपी की जमानत जब्त करवा चुके हैं, लेकिन आज कलसिंह भाबर के खिलाफ खड़े हैं। उन सब का ये कहना है कि हम में से किसी को भी टिकट दे दिया जाए, लेकिन कलसिंह को न दे। अगर पार्टी ऐसा नहीं करेगी तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये दावा है इस विरोधी गुट का। अब देखना है कि थानला विधानसभा की राजनीति में कलसिंह भाबर कितना इस गठबंधन को कमजोर कर पाते हैं, आगे क्या गणित और संभावना बैठती है, हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए झाबुआ लाइव।